हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उनको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए और कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इसीलिए हम आज किसी खास एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे जितने भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कॉम्पिटिशन के उसकी बात करेंगे। इसीलिए हमारा आज का जो टॉपिक भी है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब कोई भी एग्ज़ाम, आप एक्स वाई जेड, चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, कॉमन वीडियो रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। जैसे कि पहले पॉइंट पे आने से पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने आप से सोचिए कि क्या आपका पढ़ने में मन करता है। अगर आपका पढ़ने का मन करता है या फिर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मन करता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही जाएंगे, चाहे कोई एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, कोई एग्ज़ाम देने का मन नहीं करता है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका, तो आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचना चाहिए। क्या आपके जो बाबा या जो पापा हैं, क्या आपके लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है? अगर आपके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, 4-5 पेट्रोल पंप हैं, 1-2 हज़ार बीघे ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत बड़ा सा कारोबार कोई है, तो अगर मन नहीं लगता पढ़ने का तो कोई बात नहीं है, आप अपना बिजनेस संभालिए, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट जॉब से आप अच्छा वहाँ कमा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके पापा एक किसान हैं, फार्मर हैं, कोई अगर छोटी सी शॉप है या फिर कहीं प्राइवेट बिजनेस कोई उनका है, किसी कंपनी में प्राइवेट काम करते हैं, कुछ घर पे आपके तकलीफ है, तो अगर आप उन तकलीफ़ों के साथ जी सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आप वो तकलीफ़ आपके लिए ज़्यादा है, आप उससे बेहतर लाइफ चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपका पढ़ने का मन करता है तो ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, तो आप पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो एक बजरा बैकग्राउंड पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके पास आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते ही हैं, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि पहला पॉइंट ये है, उस एग्ज़ाम के बारे में जाने। आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में जानने का मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम कब आता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो एग्ज़ाम का फॉर्म क्या हर साल आता है या फिर 6 महीने पे होता है या 1 साल बाद आता है या फिर 4-5 साल बाद उसकी वैकेंसी आती है वो एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के बारे में छोटे छोटे सी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, क्या सिर्फ हमारा सब्जेक्टिव ही, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, सिर्फ उसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर GS, GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये सब कुछ उसमें आ रहा है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको जब नोटिफिकेशन आता है या फिर जो कोई पहले एग्जाम वो दे चुका होता है, उससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल रहेगा वहाँ पे, और यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको कम से कम 2-3 वीडियो ना मिल पाए, हर एग्ज़ाम के वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। और वो एग्ज़ाम कितने पार्ट में होता है ये भी आपको जानना चाहिए कि क्या सिर्फ उसका एक ही पार्ट होता है या फिर उसके 2 पार्ट हैं या फिर 3 पार्ट हैं, कैसे उसका कितने पार्ट हैं उसके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें कि उस एग्ज़ाम के बारे में हमें जानना चाहिए सबसे पहले। नंबर दूसरा, उसका सिलेबस के बारे में, ठीक है, तो वो उस एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा है और वो एग्ज़ाम जो सिलेबस जो भी संस्था वो एग्ज़ाम करवा रही हो, और ये भी जानना चाहिए हमें एग्ज़ाम में, ये भी जानना चाहिए कि वो जो एग्ज़ाम है वो कौन सी संस्था करवा रही है, तो उससे हमें एक ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम जो है वो किस लेवल तक क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात कर रहे थे हम लोग, तो सिलेबस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपके रूम में सिलेबस जो है वो बोर्ड पे या कहीं भी लिखा होना चाहिए या फिर उसका प्रिंटआउट चिपका दीजिए, क्योंकि सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपके रूम में सिलेबस रहेगा, आप 10 बार उसी के सामने से निकलेंगे तो 1-2 बार उसके सामने जाएंगे कि हाँ लॉ में देख लूँ कि मैंने कितना पढ़ाई कर लिया है, हाँ ये भी पढ़ लिया है मैंने, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया, उस पर टिक करते रहिए उस पर जो जो आपने पढ़ लिया है, फिर देखिए कि हाँ एग्ज़ाम कितने मंथ बाद है और भी मेरे पास सिलेबस कितना बाकी है। एक
साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे रहता है, तो जो आप फालतू के काम करते हैं उनसे आप हट करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ये काम आपको जब सिलेबस आपके रूम में रहेगा तब ये अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। नंबर तीन की अगर हम बात करते हैं तो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके जितने भी पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। अब क्वेश्चंस कहीं से भी, चाहे गूगल से निकाल लीजिए या यूट्यूब पर भी बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे उस एग्ज़ाम से जो उसमें सॉल्व किए होंगे, या फिर बहुत सी बुक्स आती हैं, घटना चक्र आती है, यूथ आती है, शिल्पी आती हैं, बहुत सी बुक्स आती हैं, हर एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं जो PYQ होते हैं, तो आपके पास वो भी होने चाहिए। ये आपके लिए समझ लीजिए, ये जो PYQ है अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए तो एग्ज़ाम में आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है ये आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के अंदर रहना है आपको, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, और सिलेबस के अंदर भी जो कितने डीपली पूछ रहा है वो आपको PYQ ही बता पाएंगे, कोई और नहीं बता पाएगा। और आपको खुद जानना चाहिए कि हाँ इस एग्ज़ाम में कितने लेवल तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी लेवल तक ही हल्का सा आपको उस लेवल से हल्का सा एक कदम आगे रहना है आपको, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो बढ़कर के ही आ रहे हैं, पीछे जो सिलेबस है वो हल्का सा एक्स्ट्रा ही आपसे पूछा जाएगा। तो जिस लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं उससे एक कदम आपको आगे ही रहना है, दो कदम नहीं रहना है, एक कदम आगे रहना है, क्योंकि ऐसे तो फिर आप बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नंबर चार है नोट्स एंड बुक्स, आपके पास नोट्स भी होने चाहिए। अच्छा, नोट्स के लिए हमने जैसे कि बहुत लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, किसी भी कोई अच्छी कोचिंग है या इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से वो फोटोकॉपी करवा लेते हैं। ये गलत बात होती है, क्यों? क्योंकि अगर आप उस कोचिंग में पढ़ चुके हैं तब तो ठीक है, तब तो वो नोट्स आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी टीचर के पास पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके जो समझाने का तरीका है वो आप समझ चुके हैं, फिर उसके अगर किसी से नोट्स आप कॉपी करते हैं तब भी आप वो नोट्स आप समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा टीचर जिससे आप कभी पढ़े ही नहीं हैं, जिसके सामने आप कभी आए ही नहीं हैं, वो किस वे में पढ़ाता है, कितना डीप जाता है, आप जान नहीं पाएंगे। उसके नोट्स पढ़ने से आपका सेशन ऐसे नहीं होगा। तो नोट्स के लिए सिर्फ वही, या तो जहाँ आप पढ़ रहे हो, जहाँ किसी भी कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको नोट्स वहीं से ही लेने चाहिए, क्योंकि वो टीचर आपको सिर्फ पढ़ा सकता है लेकिन नोट्स उसके जो होंगे वो ऐसे डिज़ाइन होंगे कि आपको समझा सके। वो नोट्स उसके होंगे जैसे आप वो पढ़ाएगा वैसा नोट्स में लिखा होगा, आप आराम से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं भी लेते हैं, आपके पास बुक्स हैं, सबसे बेस्ट रहता है। बुक्स से आप पढ़ कर खुद नोट्स बनाएंगे, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने बुक्स में ही मार्क कर लिए थे, मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बुक्स को पढ़िए और बुक्स से फिर आप नोट्स बनाइए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नोट्स हो गया और ये बुक्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स भी आपके लिए, जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बुक्स अच्छी कौन सी आती हैं, ये आपको जो एग्ज़ाम दे चुका है वही अच्छे से बता सकता है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम ड्यूरेशन पता करें। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि वो एग्ज़ाम कितने साल बाद होता है। ऐसा तो नहीं कि वो वैकेंसी जो है एक बार आती है फिर 10 साल आती ही नहीं है, तो फिर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसे एग्ज़ाम क्या वो 6 मंथ पे हो रहा है, क्या वो हर साल हो रहा है, क्या वो 2 साल बाद उसकी वैकेंसी आ रही है। और एग्ज़ाम को जो क्लियर करने का एक ठान लीजिए कि हाँ मुझको ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। ऐसे तो वैकेंसी तो बहुत सी आती हैं, क्या हर एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक एग्ज़ाम को मार्क करिए कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। तो आप उस एग्ज़ाम को लेकर के उस लेवल को लेकर करके चलिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैंने अक्सर ऐसा देखा है बहुत लोगों को जो फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर एग्ज़ाम दे आएंगे फिर कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम से बचें जिसमें आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर 50% प्रिपरेशन है आपकी तो आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर नहीं है तो एग्ज़ाम वो मत दीजिए। आप नेगेटिव में चले जाएंगे कि हाँ मुझको तो ये भी नहीं आता है, अरे ये तो ये तो मैंने पढ़ा हुआ ये भी मुझको नहीं आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए आप सिर्फ जो भी एग्ज़ाम टारगेट करें उसको लेकर के चलें और अच्छे से उसको स्टडी करें, डीप स्टडी उसकी करें।
ठीक है, फिर ये भी एक, हाँ सोचें एग्ज़ाम ड्यूरेशन में, ये भी आप सोच सकते हैं कि मुझको ये एग्ज़ाम टारगेट करना है, इस एग्ज़ाम के बाद अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, बस ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, ऐसा सोच के चलें। ऐसा ना करें कि हाँ आपकी आपका लास्ट है, लेकिन अपना पूरा बेस्ट जो है वो इसी एग्ज़ाम में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम पे फॉर्म आए हैं, फिर हो सकता है 2 साल बाद आए, तो 2 साल का आपका गैप हो जाएगा। इसीलिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कहें कि मुझे को यही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप भूखे मर जाएंगे कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपके पास नॉलेज है, विश्वास मानिए, आप इंडिया में रहते हैं तो भूखे नहीं मरेंगे। कहीं ना कहीं से आप अपने खाने पीने का, रहने के लिए इतना कमा जरूर लेंगे कि आपका एक जीवन जो है, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अच्छे से चल जाएगी, अगर आपके पास नॉलेज है तो। नॉलेज है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो सिर्फ उसी अपना बेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम को पॉइंट करते कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है हर हाल में, उस एग्ज़ाम का नाम लिख करके अपने रूम में उसको रखिए, उसको देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ यार ये मुझे निकालना है, एक जज्बा उसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम मैनेजमेंट वाला। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक घर में आप पढ़ने के लिए करते हैं और एक एग्ज़ाम में होता है। तो अभी मैं जो बात करूँगा वो घर में आप पढ़ाई के कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं इस पर मैं बात करूँगा। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन क्या करते हैं ना वो लोग, दूसरे से टाइम टेबल बनवाते हैं अपना। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपना टाइम टेबल अपने आप नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरे से बनवाऊंगा। बहुत से आते हैं मेरे पास मैसेज कि सर सर प्लीज़ एक टाइम टेबल बना दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, किस टाइम खाना खाते हैं, किस टाइम अपना सारा काम करते हैं, ये मैं कैसे जान सकता हूं? आप अपना टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आपको खुद पता है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको खुद पता है कि मुझे यहाँ इतने घंटे पढ़ना है, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक काम होता है और इस टाइम से मैं पढ़ूंगा। तो टाइम टेबल आप अपना ही अपने आप बनाइए, किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो मत कीजिए। वो दूसरे टाइम पढ़ता है, वो दूसरे टाइम सोता है, वो दूसरे टाइम खाता है, आपका अपना टाइम होना चाहिए एक। तो टाइम टेबल अगर बना रहे तो अपने आप टाइम टेबल बनाइए, किसी दूसरे की हेल्प उसमें ना लें। दिखा सकते हैं कि हाँ देखो ये टाइम टेबल मैंने बनाया, क्या सही है, इतने घंटे में मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि जो कुछ घर वाले ऐसे भी होते हैं जो समझते नहीं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हम डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। कुछ सामान लाने के लिए भेज देंगे, कोई अगर फैमिली में चाचा ताऊ आ गए हैं तो बेटा आओ नीचे इनके पैर छू आ करके, फिर तो ये भी थोड़ा सा रहता है। सबसे पहले आप अपना रूम अलग कर लीजिए, अगर आप घर में रह के पढ़ाई करते हैं फैमिली के साथ में, तो डिस्टर्ब से बिल्कुल अलग हो जाइए, वहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और घर वालों से ये कह दीजिए कि मैं आपके लिए सिर्फ शाम के 5 से 6 बजे तक हूँ, आपको जो भी काम करना है, गेहूँ पिसाना है, सब्जी लाना है, दूध लाना है, दही लाना है, जो भी कुछ है, 5 से शाम को 5 से 6 के बीच में बोल दीजिए, 1 घंटे के लिए मैं ला दूंगा और आपको दे दूंगा। इसके अलावा 23 घंटे वो सिर्फ मेरे हैं। 23 घंटे में कोई भी अगर मेहमान भी आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो तब भी कहते हैं कि भैया घर पे है ही नहीं, ये बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर डिस्टर्बेंस होता है, एक आपका कंटिन्यूटी बनी होती है, पढ़ाई चल रही होती है, फिर कोई आता है, हाँ चाचा जी आए हुए हैं, उनसे मिल लो आकर के, उनके पैर छुलवा करके, उनसे आशीर्वाद ले लो आकर के, तो वो ठीक है, आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के बाद लीजिए अच्छे से, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये कोशिश कीजिए घर पे, ठीक है। और घर में वही सामान लेने के लिए एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, और आपको जाना भी चाहिए, शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर घूमना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर में ही रहें और घर में ही 24 घंटे बैठे रहें, शाम को हल्का सा जाना चाहिए, मूड फ्रेश करने के लिए आपको जाना भी चाहिए, घर के सारे काम भी हो जाएंगे, घर वाले भी खुश और आप भी खुश। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, रूम लेकर के रह रहे हैं, तो यही काम आपको सिर्फ आधे घंटे में करना है, क्योंकि आपको बर्तन भी धुलने हैं, खाना भी बनाना है, बहुत कुछ काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं आपको बाहर। तो इसीलिए अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बाहर सिर्फ आधे घंटे के लिए जाइए, बाकी घर पे आप रूम में ही रह करके आप जो भी काम करना है वो कीजिए, क्योंकि और एक्स्ट्रा काम आपको होंगे नहीं। बाहर जाएंगे शाम को, सब्जी ले आइए, जो भी कुछ लाना है ले आइए, आधे घंटे में तुरंत आ जाइए, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका सामान भी आ जाएगा, ठीक है।
जो रूम लेकर के रहते हैं तो वो आधे घंटे के लिए ही बाहर जा सकते हैं, एक घंटे के लिए भी, चलिए हमने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, टाइम मैनेजमेंट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर पे जो रहते हैं घर वालों से बोल दीजिए कि वो बार बार डिस्टर्ब ना करें, कोई अगर फैमिली मेम्बर आता है तो बोल दें कि भैया घर पे है ही नहीं, साफ साफ बोल दें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो ठीक है, जॉब को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं जो आपका टाइम बहुत ले रहा है और आपके सैलरी भी बहुत कम है, तो आपके टाइम मैनेजमेंट में वो जॉब जो है बहुत ही रुकावट कर सकती है। तो या तो आप अगर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही सोच लिए कि मुझे निकालना ही निकालना है, तो प्राइवेट जॉब छोड़ दीजिए, अगर छोड़ सकते हैं तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि छोड़ दीजिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए जॉब थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो जाहिर सी बात नहीं छोड़ सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता होगा, गवर्नमेंट जॉब में इतना प्रेशर नहीं रहता है जितना प्राइवेट में रहता है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब में पढ़ाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको छोड़नी ही चाहिए, आप अपनी फैमिली का देख लीजिए क्या, हाँ ऐसा ना हो कि जॉब छोड़ दें घर पर खाने के लाले पड़ जाएँ, ठीक है। तो कहा कि हाँ सर, ये सर ने कहा था कि जॉब छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दीजिए, अगर हो सकता है तो जॉब छोड़ दीजिए और पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ ही करिए, ठीक है। और थोड़ा सा फ़ोन चलाने में भी आपको मैनेजमेंट, इसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो फ़ोन से फेसबुक और इंस्टाग्राम हटा दीजिए, ये नॉलेज के लिए बिल्कुल ज़ीरो हैं, इनसे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, और अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो एक घंटा कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इसीलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम हटा दीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम रखिए और यूट्यूब रखिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब ना करें जो स्टडी से रिलेटेड ना हो, जितने भी चैनल आपके यूट्यूब में सब्सक्राइब हो वो सिर्फ उसे पढ़ाई से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब भी आप जिस तरह के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब भी आपको उसी तरह के वीडियोस दिखाना पसंद करता है। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक किसी भी सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुकू पकाना, जो भी आप लोग सब्सक्राइब किए बैठे हो उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी वाले चैनल्स को ही रखिए, ताकि आपका जो माइंड है वो इधर उधर ना भटक के एक सीमित दायरा हो जाए कि हाँ आपको स्टडी में ही रहना है। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पे। आप लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है सब्सक्राइब है आ गया देख लिया 5 मिनट का है तो क्या हुआ, लेकिन वो 5 मिनट जो होते हैं वो फिर वो आपके दिमाग में घूमता रहता है, वो वीडियो वही डांस वही स्टेप आपके चलता रहता है, या सिंगिंग हो गया या फिर कुकिंग वाला हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं बात करूँगा, जो भी फीमेल्स जो हाउसवाइफ हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, देखिए आपको हाउसवाइफ के साथ साथ में आपको पढ़ाई करनी है, और ये जान लीजिए अगर फीमेल आप हैं तो आपके लिए जॉब उतनी ही ज़रूरी है जितनी जॉब किसी मेल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आजकल के ज़माने में फीमेल भी आगे बढ़ रही है, अगर आप जॉब नहीं करती हैं हाउसवाइफ हैं तो आपको भी एक थोड़ा सा उस नज़र से देखा जाता है कि हाँ ठीक है हाउसवाइफ है, लेकिन जो फीमेल जॉब करती है उसका जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फीमेल है उनको भी टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, खाने में जो भी आप घर का काम करती हैं उसके साथ साथ, अब वो कैसे करती हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ, तो आप फिर भी आपको टाइम मैनेजमेंट जो है करना पड़ेगा अगर आप हाउसवाइफ हैं तो। और बहुत दिक्कत होगी मैं समझ सकता हूँ, आप अगर हाउसवाइफ हैं अगर बच्चा है तो और भी दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, तो लेकिन क्या करें, कठिनाइयाँ अगर आपके सामने आएंगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगी। अगर सुबह उठ रही हैं आप और कोई आपके सामने कोई टास्क अच्छा नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर आप सक्सेस होने में चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आपके पास तकलीफ़ कोई है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो विश्वास मानिए आप सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी जा सकती हैं, वो पॉइंट आप उसको पॉजिटिव में लेते हुए आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, गाइडेंस भी ज़रूरी होता है। जैसे गाइडेंस का मतलब क्या है, जैसे कि कोई टीचर से आपने पूछे कि सर हाँ ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं कैसे क्या, आप कुछ अपना बताइए। जैसे जैसे आपके कोई भैया हो, कोई दीदी हो जो आपके सीनियर हो, जो एग्ज़ाम ये क्वालिफाई कर चुके हों, उनसे पूछिए, लेकिन ध्यान से एक बार ही पूछिएगा, ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ जितनी बार मिल रहे हैं उनसे हर बार पूछ रहे हैं कि हाँ भैया मैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ मुझे कुछ बताइए। एक बार पूछिए और सीरियसली पूछिए कि भैया कैसे आपने किया था, कैसे मुझे करना चाहिए, कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो रखिए, नहीं अच्छा लगता है उनका जो सुझाव है तो उन्हीं को दे दीजिए, ठीक है भैया कोई बात नहीं, ठीक।
जो भी है एक बार पूछिए, क्योंकि अगर आप बार बार उनसे पूछेंगे ना तो वो भी जानते हैं कि अरे जब भी मिलता तो यही पूछता है कि कैसे तैयारी करें, इनको समझ में ही नहीं आता है, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इसीलिए कभी भी किसी भी से कोई भी टीचर्स हो उससे एक बार ही पूछिए कि सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ गाइड कर दीजिए। अगर वो कर सकता है तो कर देगा, नहीं कर सकता है तो साफ साफ बोल देगा। बार बार उसे किसी से मत पूछिए, ठीक है। तो गाइडेंस भी ज़रूरी है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो बातें मैंने बताई हैं उन पर भी अगर आप अमल कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं किसी खास एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उसकी पढ़ाई के लिए उसमें ये सारी चीज़ें कैसे हों, कोई ख़ास एग्ज़ाम अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।